है वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपका ही भाई एक और नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नेचुरली दवाई की कहीं भी बात होती है तो अश्वगंधा के पाउडर का सबसे पहले नाम लिया जाता है। लेकिन आपको क्या पता है, जो अश्वगंधा का पाउडर का आप जो रोज़ सेवन कर रहे हो, आपकी बॉडी में जाकर वो अश्वगंधा का पाउडर आपके शरीर को किस तरह से बेनिफिट देता है, किस तरह के नुकसान करता है, और आपको लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको ये सब बातें पूरी नहीं पता होती हैं और आप उसका इस्तेमाल करते हो और कई बार आपको उसका नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप अश्वगंधा का सेवन करते हो और किस तरह से नहीं करना चाहिए, आपकी बॉडी पे किस तरह से वो बेनिफिट देता है। पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के एंड तक देने वाला हूँ। मैं दावा करता हूँ इस तरह का वीडियो आज YouTube पे कोई भी नहीं दे पाया होगा आज दिन तक, के पूरी जानकारी एक वीडियो के अंदर के अश्वगंधा आपको किस तरह से बेनिफिट देगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा उन लोगों को जो हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। और जो लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल की जो रेड कलर की बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटे का आइकन है उसे ऑल की नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हम भविष्य में कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे जो बॉडी में अश्वगंधा का पाउडर जो सेवन करते हैं हमारी बॉडी में जाता है तो हमें किस तरह के वो बेनिफिट देता है। सबसे फर्स्ट है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारा इम्यूनिटी पावर होता है उसे बूस्ट करता है, हम लोगों को कहीं भी किसी भी तरह की बीमारियों के सामने से बचाता है, और हम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा बूस्ट होती है कि हम जल्दी ना तो बीमार पड़ते हैं और अंदर से एक ताकतवर शरीर का हम एहसास कर सकते हैं। सेकंड है ब्लड सर्कुलेटन, जो हमारी ब्लड हमारे जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है उसे मेंटेन करके रखता है हमारा अश्वगंधा का पाउडर। ये है बेनिफिट दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होने की वजह से हमें ना तो जल्दी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बालों का झड़ना, हेयर फॉल रुक जाता है, और उसके बाद में शरीर पे जो फेस पे आपके एक्ने निकल जाते हैं, पिंपल एक्ने और कई का ब्लैक स्पॉट्स भी पड़ जाते हैं, उससे राहत दिलाने के लिए अश्वगंधा का पाउडर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। थर्ड है पिचके गाल और कमज़ोर शरीर, जो लोग अपने शरीर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने शरीर को एक हष्टपुष्ट शरीर बनाना चाहते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, वो जल्दी वेट को गेन करने के लिए, अपने वज़न को जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का पाउडर का अगर सेवन करते हो तो ये दावा है कि आपका वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा, तसल्ली रखनी होगी, आपका वेट वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा और 100% बढ़ेगा अगर आप अश्वगंधा का पाउडर सही तरीके से सेवन कर रहे हो तो। चौथा है जिन लोगों की उम्र 22 से नीचे है, याद रखना दोस्तों 22 के नीचे जिसकी भी एज है उनकी हाइट इंक्रीज भी होती है, अश्वगंधा के पाउडर का सेवन करने से आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ा देता है, जिससे आपकी हाइट भी इंक्रीज होती है, पर 22 के उम्र से जो नीचे हैं उनकी हाइट इंक्रीज होती है। और पांचवा है इसमें जो अश्वगंधा का पाउडर होता है इसमें एंटीऑक्सीड पड़े होते हैं, जिसके कारण से हमें कैंसर की बीमारी और सांस फूलना और जैसे कि दोस्तों जिसके घुटनों में भी दर्द होता है, इन सभी बीमारियों से हमें यह अश्वगंधा का पाउडर राहत दिलाता है। जिस लोगों को और ख़ास करके अश्वगंधा का पाउडर सेवन करने वाले लोगों को सांस फूलने की बीमारियों से 100% निजात मिल ही जाता है मात्र थोड़े समय के अंदर, क्योंकि ये नेचुरली है। नेचुरली दवाई हमारे शरीर को थोड़े देर के बाद हमारे बेनिफिट देती है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक देखने को मिलता है उसका बेनिफिट। अब चलो दोस्तों ये सब तो मैंने आपको बताई बात है कि आपके शरीर को किस तरह से बेनिफिट देती है, क्या क्या आपकी बीमारियों से दूर रखता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि किन लोगों को अश्वगंधा के पाउडर का सेवन नहीं करना चाहिए। याद रखना अश्वगंधा जिस तरह से आपकी बॉडी को फ़ायदा देता है, अगर आपने उसे प्रॉपर तरीके से जानकारी लिए बिना उसको आप सेवन कर रहे हो तो वो आपके शरीर को एक बिगाड़ भी देगा, आपको नुकसान भी देगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मैं आपको बताऊँगा कि किन लोगों को अश्वगंधा का पाउडर का सेवन नहीं करना चाहिए। फर्स्ट है प्रेग्नेंट महिलाएँ, प्रेग्नेंट महिलाओं को अश्वगंधा के पाउडर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान में अश्वगंधा पाउडर डबल दुगनी तेज़ी से हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट रिलीज करता है, जिसके कारण से प्रेगनेंसी के बाद हमारे पेट पे और महिलाओं के हाथ के बगल में स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं, इसलिए अश्वगंधा का पाउडर आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। सेकेंड है अगर आपको हैजा की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, और जो लोग दिमाग के मरीज हैं, जिन लोगों के दिमाग की बहुत, इन लोगों की क्या दवाइयाँ हाई डोज पे चलती हैं, जिसके कारण से अश्वगंधा का पाउडर का सेवन इन लोगों की, जिन लोगों को इस तरह की बीमारियां हैं उसे सेवन बिल्कुल भी नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप अश्वगंधा का पाउडर का सेवन करते हो
तो आपको ये जो डोजो ये जो बीमारियों की दो हाई डोज के दवाई ले रहे हो ये आपको काम नहीं करेंगे और आप बीमार और भी ज़्यादा हो गए। फिर आप कहोगे कि अश्वगंधा का पाउडर आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, ये सब बकवास बातें। इसलिए आप अश्वगंधा का पाउडर का सेवन बिल्कुल भी ना कीजिए अगर आपको इनमें से कोई भी एक बीमारियाँ हैं तो। और थर्ड है दोस्तों, 15 साल के नीचे के बच्चों को अश्वगंधा का पाउडर का सेवन बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हमारे 15 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली रूप से ग्रो होते हैं, उनकी बॉडी नेचुरली रूप से ग्रो होती है, उनका वेट, उनकी हाइट, उनके एक्स वाई जेड जो भी शरीर का जो भी लेवल इंक्रीज होता है वो नेचुरली रूप से ग्रो होता है। ये अश्वगंधा का पाउडर का सेवन कौन करता है? जिनकी बॉडी इंक्रीज नहीं हो रही है, वेट गेन करना चाहते हैं, हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं, वो लोग अश्वगंधा का सेवन करते हैं। लेकिन 15 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं उनमें नेचुरली रूप से उनकी हर तरह के हमारे उनकी बॉडी में ग्रो देखने को मिलता है, इसलिए 15 साल से नीचे के बच्चे अश्वगंधा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करिए। चलिए दोस्तों, अब ये तो सब बातें बताई मैंने आपको किस तरह से आपकी बॉडी को बेनिफिट देता, किन लोगों को अश्वगंधा का पाउडर का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी जब आपको यही नहीं पता होगा कि अश्वगंधा के पाउडर का आपको सेवन किस तरह से करना होगा। आपको जब पता होगा किसी वस्तु का भी इस्तेमाल करना अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो उसका आप लाभ भी देख पाओगे। इसलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अश्वगंधा का पाउडर का सेवन किस तरह से करना चाहिए। और आपने मैं 100% दावा देता हूँ अश्वगंधा का पाउडर का सेवन इससे ज़्यादा बेनिफिट कोई भी नहीं देगा जो मैं फॉर्मूला बताऊं, क्योंकि ये मैंने खुद के ऊपर यूज़ किया और मात्र 2 महीनों के अंदर अंदर मैंने अपने शरीर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला। जैसे कि मेरी हाइट भी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि मेरी अभी एज 22 से कम ही है और मेरा हेयर फॉल भी रुक चुका है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे जिससे मेरा हेयर फॉल भी अभी पूरी तरह से रुक चुका है और मैं अंदर से एक इम्यूनिटी सिस्टम अपना बूस्ट पाता हूँ। और अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको अश्वगंधा के पाउडर का सेवन करना होगा। आपको रात में सोने से पहले एक गुनगुने गिलास के दूध के अंदर 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर लें और साथ में ही उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। आप पतंजलि का, मैं किसी भी तरह की कंपनी का एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूं, बस मैं जो मुझे जो बेस्ट लगता है मैं आपको उसी का रिकमेंडेड कर रहा हूं। आपको 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर और 1 चम्मच पतंजलि का शहद आप डालिए, ना कि उसमें चीनी डालना ना कि गुड़ डालना, आप 1 चम्मच शहद डालना और इन तीनों को मिला के आपको रात में रोज़ सोने से पहले पीना होगा। और याद रखना इसका सेवन वही लोग करें जिनकी एज 50 से नीचे है, अगर 50 के ऊपर चली गई वो अश्वगंधा का पाउडर का सेवन बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि ये आपको भारी नुकसान देखने को भी मिल सकता है। इसलिए आपको अश्वगंधा का सेवन इस तरह से करना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दी कि आपको किस तरह से अश्वगंधा का पाउडर का सेवन करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए और आपकी बॉडी में किस तरह से ये बेनिफिट देता है। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल का जो रेड कलर का बटन है उसे भी प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटे का आइकन है उसे भी ऑल की नोटिफिकेशन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।